हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको गाउन की चोली की कटिंग बताऊंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम डबल फोल्ड को भी डबल फोल्ड करेंगे, यानी कि हमारा कपड़ा 4 लेयर में रखा रहेगा। अब हम चोली की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी है 16 इंच। पे हम निशान लगाएंगे। अब 2.5 इंच पे गले का निशान लगाएंगे। ये हमने 2.5 इंच पे रखा और निशान लगाया। अब हम 4 इंच पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। ये देखिए 4 इंच का लिया है मैंने। और 8.5 पे आर्म का निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी 8.5 पे। डेढ़ इंच का गहरान देने के लिए निशान लगाएंगे, और ये हमारी गहरान हो गई है आर्म की। साढ़े आठ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। फुल फुल चेस्ट होने पे 17 आ जाएगा हमारा। अपनी चेस्ट का निशान अपने हिसाब से लगाइएगा। और 1.5 इंच का मार्जिन। ये पूरा कपड़ा हमारा आ गया है। कमर के पास भी 1.5 इंच का निशान लगा देंगे। ये हमारा सिलाई का होगा।
अब चलिए इसे कटिंग करते हैं। कपड़ा हमारा बराबर कर लिए। अब हम गले गले निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट का पल्ला है। फ्रंट के नेक की लेंथ हमारी 6 इंच होगी। और चौड़ान हम 2.5 इंच पे रखेंगे। इसी तरीके से 4 इंच का निशान लगाएंगे हम बैक वाले पार्ट पे। ये बैक की लेंथ का है, 4 इंच पे निशान। हम साथ में कपड़ा रख के ही दोनों गले के निशान लगा लेंगे और चौड़ान भी सेम ही रहेगी। अब कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम बैक नेक को ही काटेंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डबल कपड़ा रखे हुए हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम बैक का ही नेक काटेंगे। अब ये शोल्डर के पास 1/2 इंच का हम छाट देंगे। गले से लेकर के, गले पे नहीं देना है, सिर्फ आपको शोल्डर के पास ही 1/2 इंच का छाट देनी होगी। शेप आ गया हमारा। और अब हम फ्रंट कपड़े को पकड़ के अंदर से बैक वाले पल्ले को निकाल देंगे, क्योंकि अब हम फ्रंट के नेक की ही कटिंग करेंगे यहाँ पर। ये हमारी दोनों नेक की कटिंग हो गई है। ये साइड का हिस्सा हमारा बंद है, इसको भी कट कर लेंगे। अब ये हमारी चोली की कटिंग रेडी हो गई है। अब हम स्लीव काटेंगे इसकी। Thank you.
ये हमारा स्लीव का कपड़ा है, इसे मैंने 4 फोल्ड पे रखा है। स्लीव की लेंथ रखूँगी मैं 22 इंच पे, ये हमारी लेंथ है। इसे सीधा कर लेंगे। चौड़ान हमारी 8.5 इंच है, 8.5 पे निशान लगाएंगे और नीचे बगल से 1.5 इंच का मार्जिन लेकर के निशान लगाएंगे। ये हमारी गहरान हो गई, ये 1.5 इंच पे निशान लगाया और ये स्लीव की गहरान देते हुए निशान लगाएंगे। ये हमारा निशान लग गया है, अब कटिंग कर लेंगे हम इसकी। ये हमने आगे से शेप नहीं देना है क्योंकि इसे हमने अम्ब्रेला शेप में काटा है। इस पे जो वर्क बना हुआ है उस पे अम्ब्रेला सीन ही अच्छी लगेगी, तो हमने इसे पतला नहीं किया, इसे अम्ब्रेला शेप देंगे। ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। ये हमारे घेरे का कपड़ा है, इसे मैंने पहले ही काट लिया था। ये बॉर्डर हमारा नीचे आएगा और यहाँ पर हम जो चोली कटिंग की है उसको यहाँ पर अटैच कर देंगे, इस तरह से दिखेगा। घेरे को हम ऊपर हल्का सा पहले कच्चा करेंगे, चुन डालेंगे और फिर उससे पक्की सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम चोली में घेरे को अटैच करेंगे और हमारी ड्रेस रेडी हो जाएगी। Thank you.